नीट परीक्षा धांधली का मामला अब और गर्माता जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर नीट जैसी बड़ी और प्रतिष्ठित परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली की बात कैसे सामने आई। इस बार के बहुत से नीट टॉपर्स एक ही सेंटर से हैं, जो इस मामले में कई शक पैदा करता है। परीक्षा से पहले कई सेंटर्स पर पर्चा लीक होने की खबर सामने आई। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि खास सेंटर्स के स्टूडेंट्स को ही ग्रेस मार्क्स दिए गए, जबकि पेपर लेट कई सेंटर्स पर बटे थे। दो स्टूडेंट्स ने जिनकी रैंक 68 और 69 आई, उनको 718 और 719 मार्क्स मिले, लेकिन नीट की मार्किंग स्कीम के हिसाब से ये अंक संभव ही नहीं है। बिहार पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस परीक्षा को कंडक्ट करने वाले एनटीए का ये कहना है कि इस मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है और ये मामला केवल 1600 स्टूडेंट्स का ही नहीं है बल्कि 24 लाख कैंडिडेट्स का है। परीक्षा में हुई धांधली को अब पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की जा रही है और कई पॉलिटिकल पार्टियां भी इस मामले में अब कूद पड़ी हैं। चारों तरफ से परीक्षा रद्द करने की और री एग्जाम करवाने की मांग उठ रही है। परीक्षा में धांधली का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई भी की है। परीक्षा के धांधली मामले में इस वक्त सबसे बड़ी मांग परीक्षा को दोबारा करवाने की है। रिजल्ट आने के बाद से ही कई दिनों से छात्र देश के कोने कोने में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस याचिका में रिजल्ट वापस लेने और दोबारा परीक्षा की मांग की जा रही है।